अप्रैल में एक विवाहिता की फोटो को एडिट कर उसके साथ अश्लील कंटेंट जोड़कर उसे फेसबुक पर अपलोड करने के मामले में बाड़मेर पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। महिला थाने में दर्ज इस मामले में पुलिस ने आईटी एक्ट के तहत जोधपुर ग्रामीण से युवक को गिरफ्तार किया है। बाड़मेर की एक विवाहिता के सोशल साइट्स पर एडिट करके एक सिरफिरे ने ऐसे फोटो डाल दिए जो उसकी इज्जत को तार तार कर गए। पीड़िता मामला दर्ज करवाने के बाद जिले की पुलिस ने इस मामले को एक चुनौती के रूप में लिया और 4 महीने तक चली जांच में महिला की अस्मिता को फेसबुक पर तार तार करने वाला गुनहगार जोधपुर से पुलिस के हत्थे चढ़ गया। बाड़मेर के महिला थाने में 30 अप्रैल को इंदिरा कॉलोनी निवासी एक विवाहिता ने महिला थाने में रिपोर्ट पेश कर बताया कि उसके फोटो किसी ने एडिट कर अश्लील फोटो एक फेसबुक आईडी पर अपलोड किए हैं। इसकी जानकारी उसके रिश्तेदार ने उसे फोन कर दी। इस पर विवाहिता ने मैसेंजर के जरिए उस व्यक्ति से अश्लील फोटो अपलोड करने का कारण जानने की कोशिश की। जब उसने विवाहिता से शारीरिक संबंध बनाने पर ही डिलीट करने को कहा। पीड़िता ने रिपोर्ट में बताया कि ऐसे फोटो से वह परेशान एवं आहत है। अपने आप में सरहदी बाड़मेर में पहली मर्तबा दर्ज हुए इस तरह के मामले को बाड़मेर पुलिस ने बेहद गंभीरता से लिया है। बाड़मेर पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा के निर्देशों पर महिला थानाधिकारी लता बेगड़ की अगुवाई में टीम का गठन किया गया। 4 महीने तक लगातार की गई जांच और खोजबीन के बाद आखिरकार जोधपुर ग्रामीण इलाके का पर्वत सिंह पुत्र नरपत सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अप्रैल लास्ट में बाड़मेर निवासी एक महिला ने महिला थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि मेरी जो फेसबुक आईडी है उस पर मेरी फोटो लगी हुई है, उसको किसी ने एडिट करके उसको अश्लील बना दिया और फेसबुक पर वायरल कर दिया है और उसके साथ में जो है अश्लील कमेंट भी लिखे हुए हैं। इस पर जो है वो मुकदमा दर्ज किया गया 509 IPC और 67 IT Act में मुकदमा दर्ज किया और अनुसंधान मैंने किया। दौरान अनुसंधान कई प्रकार के व्यक्तियों से हमने पूछताछ करी, काफ़ी लंबे समय तक इसका अनुसंधान चलता रहा। इसमें श्रीमान SP साहब का बहुत सहयोग रहा। इसमें फेसबुक का कार्यालय जो अमेरिका में कैलिफोर्निया में स्थित है वहाँ से कई बार पत्राचार किया गया SP साहब के मार्फत और धोनी मन्ना, गुड़ा मलानी, सोजत पाली और बाड़मेर में भी कई व्यक्तियों के द्वारा पूछताछ की गई। उनकी लोकेशन, कॉल डिटेल को सर्च करके मामले की तह तक पहुँचा गया। पूछताछ के दौरान जो है कई बार दिक्कतों का सामना करना पड़ा क्योंकि मामला महिला की अस्मिता से जुड़ा हुआ था और मेरे लिए भी एक चैलेंजिंग मामला था क्योंकि आईटी एक्ट के मामले जो है वो काफ़ी दुरू किस्म के होते हैं और कई बार जो है अपराधी पहुंचा भी नहीं जाता है और अगर पहुंचते भी हैं तो काफ़ी समय लग जाता है। मैंने इसको एज ए चैलेंज लिया और सभी टीम वर्क के साथ में इस मामले को सॉर्ट आउट किया गया, इसका अनुसंधान पूर्ण किया गया। एक टीम बनाई गई थाना स्तर पर जिसमें एज ए साइबर एक्सपर्ट कह दो या कंप्यूटर एक्सपर्ट कह दो उनको शामिल किया गया और जो है मुलजिम को दस्तयाब करके लेकर आए थाने। कहां से दस्तयाब किया? मुलजिम का नाम जो है वो पर्वत सिंह, उसके पिताजी का नाम नरपत सिंह है, उम्र 24 साल है और ये अपने मनाई का रहने वाला है जोधपुर ग्रामीण का और उसको जो है वो देर रात्रि को दस्तयाब किया गया है और आगे जो है उसे और पूछताछ कर रहे हैं। सोशल प्लेटफॉर्म और आईटी क्राइम से बरसों तक अनजान रहे सरहदी बाड़मेर इस तरह के पहले मामले में बाड़मेर पुलिस ने बेहद बारीकी से जांच के साथ फेसबुक की मदद से मामले का पर्दाफाश किया है। पुलिस के मुताबिक सोशल साइट्स पर अपनी निजी जानकारी और फोटो अपलोड करने में बेहद सावधानी बरतनी जरूरी है। बहरहाल 4 महीने तक अपनी असमत को इंटरनेट की दुनिया में बेआबरू होते देख चुकी पीड़िता को उसके गुनाहगार सलाखों की जद में देखकर उसको कुछ राहत मिली है।